नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं डॉक्टर हरि सिंह बाजिया, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। आज अपन डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो सम मेजर पेस्ट ऑफ क्रॉप, फसलों के कुछ मुख्य कीट जो कि बहुत सारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। पॉलीफेगस पेस्ट है, सर्वभक्षी कीट है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों, मैंने आपको कीटों की जो क्लास इंसेक्टा था उसके बारे में आपको बताया, उसके जो डिस्ट्रिक्ट रीजन थे, उसके जो भाग थे उनके बारे में बताया, किस प्रकार से उनका सिर भाग बना होता है, किस प्रकार से उनका वक्ष भाग बना होता है और किस प्रकार से उनकी एक्टिविटी होती है उसके बारे में मैंने बताया, कैसे उनका क्लासिफिकेशन है वो आपको बताया। तो आज स्टडी करेंगे तो आपके कोर्सेज के अंदर मुख्यतः जो इंसेक्ट चलते हैं, जो जेड के अंदर क्वेश्चन आते हैं, वो है आपके कातरा है, सफेद लट है, चने का फली छेदक है, दीमक है, टिड्डी है और खपरा प्रांग है। ये मेजर पेस्ट हैं जो प्रमुख फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो आपके कोर्स के अंदर एनलिस्ट किए हुए हैं। तो आइए देखिए, चर्चा करते हैं इन पेस्ट के बारे में। तो दोस्तों, सबसे मुख्य जो इनका क्वेश्चन आता है वो एक इस टेबल के अंदर से एक क्वेश्चन आता है। वो क्या क्वेश्चन आता है, हो सकता है वो इसके वैज्ञानिक नाम पूछ ले, जिसको बोलते साइंटिफिक नेम या जूलॉजिकल नेम जो है वो पूछ सकते हैं, हो सकता है कि कोई गण ऑर्डर पूछ सकते हैं इनके अंदर जो इंसेक्ट जो पेस्ट है, हो सकता है उनकी फैमिली पूछ सकते हैं, है? उनका कुल पूछ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर आता है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं कातरा। कातरा जिसका नाम रेड हेयरी कैटरपिलर इंग्लिश में बोलते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम है एम सेक्टा मूली। एम सेक्टा मूली जो उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, इसकी एक फॉर्म और होती है जिसका नाम होता है एम सेक्टा एल्बिस्ट्रिका, जो दक्षिणी भारत में नुकसान पहुंचाती है, उत्तरी भारत के अंदर डैमेज नहीं कर पाते, वो वहाँ के एनवायरनमेंट कंडीशन के सूटेबल होती है। इसका जो गण होता है वो लेपिडोप्टेरा इसका गण होता है। लेपिडोप्टेरा और इसकी जो फैमिली होती है उसका नाम है आर्किटिडी। तो दोस्तों, रेड हेयरी कैटरपिलर जिसका वैज्ञानिक नाम होता है एम सेक्टा मूरी, जिसका गण होता है, ऑर्डर होता है लेपिडोप्टेरा और कुल होता है आर्किटिडी। अपन इसको याद रखने की तरीके से राला इसको बोल सकते हैं, आर मीन्स रेड हेयरी कैटरपिलर, इसका जो साइंटिफिक नेम है एम सेक्टा और इसका जो ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा और इसकी फैमिली है आर्किटिडी। अगर इंग्लिश के अंदर कहीं आपको देखना है आप याद कर सकते हो तो इजीली इसको राला के नाम से इसको याद कर सकते हैं। ये रेड हेयरी कैटरपिलर है, एम सेक्टा उसका नाम होता है, लेपिडोप्टेरा उसका ऑर्डर होता है और आर्किटिडी उसकी फैमिली होती है। तो इस प्रकार से ये इसका साइंटिफिक नेम, ऑर्डर और कुल अपन भूल नहीं सकते, तो इसको ट्रिक के द्वारा आप याद कर सकते हो राला। नेक्स्ट है सफेद लट, इसको व्हाइट ग्रब बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, सफेद लट जिसका नाम होता है होलोट्रिकिया कॉन्सेंगोनिया। होलोट्रिकिया कॉन्सेंगोनिया इज साइंटिफिक नेम ऑफ व्हाइट ग्रब। देखिए दोस्तों, ये उत्तरी भारत के अंदर होलोट्रिकिया कॉन्सेंगोनिया उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसकी एक फॉर्म और होती है, एक स्पीसीज और होती है जिसको होलोट्रिकिया सेरेटा, जिसको जो दक्षिणी भारत में नुकसान करती है। जब ये पढ़ेंगे और डिटेल में तब बताएंगे। तो
बोलो ट्रिकिया कौन सी एल्मुनिया दूसरी भारत के जो मुख्य स्पीशीज है सबसे ज्यादा क्रॉप के अंदर नुकसान पहुंचाती है उसका नाम है सफेदलक का होलोट्रिकिया कॉन्सेंटुनिया। होलोट्रिकिया कॉन्सेंटुनिया का जो ऑर्डर होते हैं जो ऑर्डर होता है उसका नाम है कोलियोप्टेरा। कोलियोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करती है। कोलियोप्टेरा ऑर्डर कोलियोप्टेरा इसका ऑर्डर है और मेलनथिडी इसकी फैमिली होती है कुल होता है इसका मेल लॉन्ग टीडी टीडी। मेलॉन थ्रीडी इसकी फैमिली होती है। तो देखिए सफेदलक जिसको व्हाइट ग्रब बोलते हैं इंग्लिश में इसका जो साइंटिफिक नेम है जो जूलॉजिकल नेम है उसका नाम है होलोट्रिकिया कॉन्सेंगुनिया। होलोट्रिकिया कॉन्सेंगुनिया जो उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा नुकसान करती है और फसलों को भी ऑब्वियसली सबसे ज्यादा नुकसान करती है। और इसकी एक स्पीसीज और होती है जिसका नाम होता है होलोट्रिकिया सेरेटा। जब डिस्कस करेंगे इसके बारे में इस कीट के बारे में तब चर्चा करेंगे उसके ऊपर सेरेटा और कॉन्सेंगुनिया के ऊपर। तो होलोट्रिकिया कॉन्सेंगुनिया इसका जूलॉजिकल नेम है और इसका जो ऑर्डर होता है वो कोलियोप्टेरा होता है और मेलनथिडी इसकी फैमिली होती है इसकी कुल होती है। हो सकता है अपने इसको ट्रिक के द्वारा याद करें तो इसका जो व्हाइट ग्रब इसका नाम होता है तो व्हाइट ग्रब इसका साइंटिफिक नेम होलोट्रिकिया इसका जो ऑर्डर है कोलियोप्टेरा और एम मींस मेलनथिडी इसका फैमिली। तो कह सकते हैं कि जो व्हाइट हाउस है उसमें सीएम रहते हैं इसके द्वारा ट्रिक के द्वारा अपने याद कर सकते हैं क्या व्हाइट हाउस के अंदर सीएम रहते हैं तो इसके द्वारा अपन याद कर सकते हैं। तो सफेदलक होलोट्रिकिया कॉन्सेंगुनिया कोलियोप्टेरा मेलनथिडी। नेक्स्ट है आपके चने का फली छेदक ग्राम पॉड बोरर। चने का फली छेदक जिसको इंग्लिश में ग्राम पॉड बोरर बोलते हैं इसका वैज्ञानिक नाम होता है हेलिकोर्पा आर्मीजेरा। हेलिकोर्पा आर्मीजेरा हेलिकोर्पा आर्मीजेरा द साइंटिफिक नेम ऑफ ग्राम पॉड बोरर हेलिकोर्पा आर्मीजेरा। और जो चने का फली छेदक है हेलिकोर्पा आर्मीजेरा है उसका जो ऑर्डर होता है लेपिडोप्टेरा। उसका जो ऑर्डर होता है लेपिडोप्टेरा। और इसकी जो फैमिली होती है उसका नाम होता है नॉक्टुडी। तो दोस्तों चने का फली छेदक ग्राम पॉड बोरर व्हाट आर द साइंटिफिक नेम ऑफ ग्राम पॉड बोरर हेलिकोर्पा आर्मीजेरा। व्हाट आर द ऑर्डर ऑफ हेलिकोर्पा आर्मीजेरा। हेलिकोर्पा आर्मीजेरा का जो गण है वो क्या होता है लेपिडोप्टेरा लेपिडोप्टेरा। और इसकी जो फैमिली होती है इसका कुल होता है वो नॉक्टुडी नॉक्टुडी। ये इसके जो वो कह सकते हैं कि अपन जो साइंटिफिक नेम इसका ऑर्डर और फैमिली है इसको ट्रिक के द्वारा कह सकते हैं जी एच एल एन कह सकते हैं गर्ल्स हॉस्टल ले सकते हैं या और कुछ वर्ड यूज करते हैं जी एच एल एन कि कैसे भी अपने नाम के द्वारा इसको याद किया जा सकता है जो पर्टिकुलर आप ले सकते हो। तो जी एच एल एन ग्राम पॉड बोरर एच मीन्स हेलिकोर्पा एल मीन्स लेपिडोप्टेरा एन मीन्स नॉक्टुडी। तो ये इसका साइंटिफिक चने का फली छेदक का साइंटिफिक नेम उसका ऑर्डर और उसकी फैमिली है। देन वी डिस्कस ऑन द टर्माइट जो दीमक होता है उसका नाम होता है ओडेंटोटर्मस ओबेसस। ओडेंटोटर्मस ओबेसस
ओडेंटोडर्मिस, ऑबेसस। तो ओडेंटोडर्मिस ऑबेसस इसका साइंटिफिक नेम होता है दीमक का, और इसका जो जो गण है, ऑर्डर है, उसका नाम होता है दीमक के जो आइसोपेरा, आइसोपेरा, आइसो मीन इक्वल, पेरा मीन्स उसके पंख, आइसोपेरा, आइसोपेरा उसका ऑर्डर होता है, जिसकी क्या है अगर और पसे जो पंख होते हैं वो इक्वल होते हैं आइसोपेरा के, और जो इसकी फैमिली होती है उसका नाम होता है टर्मिटिडी। टर्मिटिडी इसकी फैमिली का नाम होता है। तो ये थीम है टर्माइट, ओडेंटोडर्मिस ऑबेसस, आइसोप्टेरा इसका ऑर्डर होता है, टर्मिटिडी इसकी फैमिली होती है। देन वी डिस्कस ऑन दी लॉकस्ट, जो ग्रास ऊपर होता है, ग्रास ऊपर जो लॉकस्ट होता है, जो डेजर्ट लॉकस्ट जो मेनली सबसे हार्मफुल स्टेज होती है पतंगा सक्सिनेटा, इसकी तीन फॉर्म होती है लॉकस्ट माइग्रेट एरिया, बट जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी जो फॉर्म है जो नुकसान पहुंचाती है उसका डेजर्ट लॉकस्ट का नाम है सिस्टोसका ग्रिगेरिया, सिस्टोसका ग्रिगेरिया, सिस्टोसका ग्रिगेरिया। और सिस्टोसका ग्रिगेरिया इसका जो ऑर्थोपेरा इसका ऑर्डर होता है, ऑर्थोपेरा 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 एंड ऑर्थोपेरा इसका ऑर्डर होता है, और जो इसके एक्विडिडी इसकी फैमिली होती है, एक्टिविटीज की फैमिली होती है। तो दोस्तों ये पांच टिड्डी का जो वैज्ञानिक नाम है सिस्टोसका ग्रिगेरिया, इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्थोप्टेरा, और इसकी फैमिली है एक्टिविटी। लास्ट जो इंसेक्ट है जो भंडारण के अंदर नुकसान पहुंचाता है वो एक ही कीट होता है जिसका नाम होता है खपरापन, खपरा बीटल, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, और इसका जो ऑर्डर होता है दैट इज कॉलियोप्टेरा, और जो फैमिली होती है वो डर्मेस्टिडी, डर्मेस्टिडी, डर्मेस्टिडी। तो दोस्तों ये थे इनके साइंटिफिक नेम, ऑर्डर एंड फैमिली। सबसे पहले कातरा जिसका साइंटिफिक नेम होता है एमसेक्टा मूरी, जिसका ऑर्डर होता है लेपिडोप्टेरा, और फैमिली होती है उसकी आर्किटिडी। नेक्स्ट है व्हाइट का सपेलन होलोट्रिकिया कॉन्सेनगुनिया, इसका ऑर्डर कॉलेप्टेरा एंड फैमिली मेलनथेरी। चलने का फलीचेदक ग्राम पॉड बोरन जिसका साइंटिफिक नेम है हेलिकोर्बा आर्मीजेरा लेपिडोप्टेरा, ऑर्डर से वो बिलोंग करता है, गण से बिलोंग करता है, और नॉक्टुडियस की फैमिली है, उसका कुल है। देन दीमक
जिसको इंग्लिश में टर्माइट बोलते हैं, दीमक का वैज्ञानिक नाम होता है ओडेंडोटर्मिस ऑबेसस, जिसका ऑर्डर होता है, गण होता है आइसोप्टेरा, और उसकी फैमिली होती है टर्मिटिडी। देन टिड्डी लोकस जो ग्रास ऊपर जो होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है सिस्टोसरका ग्रिगेरिया, जो डेजर्ट लोकस्ट होता है, और भी इसकी स्पीसीज है जो पूरा पढ़ाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे, सिस्टोसरका ग्रिगेरिया, और इसका ऑर्डर होता है वो ऑर्थोप्टेरा, और इसकी जो फैमिली होती है एक्रिडिडी। ठीक है, नेक्स्ट है खपराब्रन। खपराब्रन जो स्टोरेज के अंदर भंडारण के अंदर नुकसान पहुंचाता है, तो इन कीटों के अंदर एक ही कीट ऐसा है जो भंडारण में नुकसान पहुंचाता है, उसके अंदर डैमेज करता है, उसका नाम है ट्रोपोडर्मा ग्रेनेरियम, और कोलियोप्टेरा से वो बिलोंग करता है, कोलियोप्टेरा गण के अंदर आता है, और डर्मेस्टिडी उसकी फैमिली होती है। तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, एग्जाम के अंदर इसका साइंटिफिक नेम पूछते हैं, कई बार इसका ऑर्डर पूछते हैं इनमें से, या कई बार इसकी फैमिली पूछ सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कई बार भूल जाएं, तो आप इसको एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आप याद कर सकते हो इसका शॉर्ट, जैसे राला है, WSEM है, WHLN है, TOIT है, LSOA है, KTCD है। तो इस प्रकार जैसे राला है तो रेड हेरी कैटरपिलर, A means Amsecta, L means Lepidoptera, A means Architeidae। तो ट्रिक के द्वारा वो भूल नहीं पाएंगे अपन। W means White Crab, H means उसका होलोट्रिक है उसका नाम, C means उसका ऑर्डर, और लास्ट M means उसकी फैमिली। ये जो भी लास्ट में है वो सारी उनकी फैमिली के ट्रिक जो टर्म्स हैं, और उससे पहले के वाले उसके ऑर्डर के टर्म्स है, जिससे फैमिली और ऑर्डर को आप भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि फैमिली और ऑर्डर में जो क्वेश्चन आता है कई बार भूल जाते हैं कि कौन सा पेस्ट है, कौन से ऑर्डर में कौन सा पेस्ट है, और कौन से फैमिली के अंदर। तो इसे इजी वे से अपन क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो ये 6 पेस्ट है जो आपके कोर्सेज के अंदर है, जिसके अंदर ये आपको मैंने बता दी उनके साइंटिफिक नेम ऑर्डर को, तो आप जरूर इन पे कंसंट्रेट करें, इनके ऊपर ध्यान दें, राला, WSEM, GHLN, TOIT, LSOA, KTCD, इस प्रकार से आप याद रख पाएंगे। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये इम्पोर्टेंट जो है पेस्ट है, जहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, हर बार ही यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट, तो एक बार आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट वगैरह, उसके बाद में नेक्स्ट जो है खातरा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये जो क्लास इंसेक्टा है, उनके पेस्ट है, इनसे रिलेटेड इनके साइंटिफिक, इनके ऑर्डर, इनकी फैमिली, और इनके जो भी जीवन चक्र से संबंधित, इनके मैनेजमेंट से संबंधित 4 या 5 या 6 या 3 या 2 जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ईजी है एक बार समझने के बाद में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कातरा, जो बहुभक्षी कीट है, पॉलीफेगस पेस्ट है, सभी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कातरा। इसका नाम होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेड हैरी कैटरपिलर। देखिए दोस्तों, अभी अगर इसका क्लासिफिकेशन देखें तो पढ़ने स्टार्ट से की थी फाइलम आर्थ्रोपोडा मैंने पढ़ाया था, तो इजीली आप इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन में इसका फाइलम क्या है, तो फाइलम से आप इजीली फाइलम बता सकते हो, इसका फाइलम आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा जो सबसे बड़ा फाइलम होता है, सबसे बड़ा संघ होता है। उसके बाद में अगर उसकी वर्ग की बात करें तो वर्ग कौन सा होता है इसका, वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं क्लास,
मैंने डिस्कस किया था सेवन क्लास के बारे में प्रीवियस क्लास के अंदर। तो वर्ग जो क्लास, इसका क्लास कौन सा होता है? इसका क्लास होता है इंसेक्टा। सभी कीटों का जो क्लास होता है वो इंसेक्टा के अंदर आते हैं, और जो इंसेक्टा है वो किसके अंदर आते हैं? आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। इंसेक्टा का दूसरा नाम हेक्सापोडा भी है, पहले बताया था मैंने। क्यों कहते हैं इसको हेक्सापोडा? पहले की क्लास के अंदर बताया था कि हेक्सापोडा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें तीन जोड़ी टांगे पाई जाती हैं, इसलिए। उसके बाद में इसका जो वर्ण है, जो ऑर्डर है, ऑर्डर है, उसका नाम है लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा लेपिडोप्टेरा। उसके बाद में इसका कुल की बात करते हैं, तो कुल है आर्किटिडी। आर्किटिडी तो दोस्तों अभी मैंने एक ट्रिक बताई थी, राला मींस रेड हेयरी कैटरपिलर, उसका वैज्ञानिक नाम एमसेक्टा, क्योंकि अगर अब वैज्ञानिक नाम इसका अपन करते हैं, वैज्ञानिक नाम उसका वैज्ञानिक नाम है एमसेक्टा मूवी। एक स्पीशीज और होती है इसकी, एमसेक्टा, एमसेक्टा अल्बेस्ट्रिगा, अल्बेस्ट्रिगा। ये उत्तरी भारत में सबसे मुख्य है, उत्तरी भारत, उत्तरी भारत, और ये दक्षिणी भारत की मुख्य स्पीशीज है। दक्षिणी भारत। तो दोस्तों एमसेक्टा मोराई जो सबसे ज्यादा फसलों में नुकसान पहुंचाती है उत्तरी भारत में, उसका नाम होता है एमसेक्टा मोराई। और इसको इजीली, ये जो क्लासिफिकेशन है पूरा, उसको शॉर्ट में अपन राला के द्वारा कह सकते हैं कि जो रेड हेयरी कैटरपिलर है उसका साइंटिफिक नेम होता है वो एमसेक्टा, ए मींस एमसेक्टा, एमसेक्टा मूरी होता है, एल मींस उसका लेपिडोप्टेरा उसका ऑर्डर होता है, जो गण होता है, और आर्किडी जो आर्किडी उसकी फैमिली होती है, कुल होते हैं, तो अपन कभी नहीं भूल पाएंगे। तो ये क्लासिफिकेशन था कात्रा का, कात्रा आर्थ्रोपोडा जो सबसे बड़ा संघ है उससे बिलोंग करता है, और इंसेक्टा उसका क्लास है, इंसेक्टा भी इसके अंदर जो सेवन क्लास में सबसे बड़ा अगर क्लास है जो वर्ग है वो इंसेक्टा ही होता है, और इसका जो इंसेक्टा, इंसेक्टा का जो गण है लेपिडोप्टेरा, वो लेपिडोप्टेरा गण से बिलोंग करती है, और कुल इसका आर्किटिडी है, और इसका साइंटिफिक नेम एमसेक्टा मूरी होता है, जो उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो कात्रा का नेक्स्ट, जो पोषक पौधे हैं किस प्रकार से वो नुकसान पहुंचाती है, किस प्रकार से वो फसलों को हानि पहुंचाती हैं? तो कात्रा के जो पोषक पौधे हैं, पोषक पौधे जिनको बोलते हैं होस्ट प्लांट, होस्ट प्लांट मींस अपना जीवन जिनके ऊपर रहकर जिनसे भोजन लेकर वो जीवित रहते हैं उनको होस्ट प्लांट कहते हैं। तो होस्ट प्लांट खरीफ की फसलें, सभी खरीफ की फसलें, मुख्यतः खरीफ फसलें, मुख्यतः खरीफ फसलें, खरीफ फसलों के अंदर देखिए उसके अंदर ज्वार है, बाजरा है, ज्वार है, बाजरा है, मूंग है, मोठ है, मोठ है, मूंगफली है, मूंगफली है, गवार है, एक्सेट्रा, जो भी खरीफ, क्योंकि ये क्या है,
इसको सर्वभक्षी, ये सर्वभक्षी कीट है, सर्वभक्षी कीट इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉलीफेगस पेस्ट, पॉलीफेगस पेस्ट क्या होता है दोस्तों? पॉलीफेगस पेस्ट या सर्वभक्षी जो कीट सभी फसलों को, सभी वनस्पति भागों को, वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाता है, उनको सर्वभक्षी कीट कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कीट है जो सारी फसलों को, लगभग जो खरीफ की फसलें हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। तो ये पॉलीफेगस पेस्ट है। कई बार क्वेश्चन पूछ लें कि कातरा है सर्वभक्षी या एकलभक्षी, क्योंकि कुछ मोनोफेगस होते हैं, कुछ पॉलीफेगस होते हैं, तो ये सर्वभक्षी कीट होता है। तो ये सबसे मुख्यतः खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचाता है, ज्वार और बाजरा। देखो नेचर ऑफ डैमेज, उसका जो नुकसान कारक है या इम्पोर्टेंस है वो क्या है? तो डैमेज सिम्टम्स की बात करते हैं। डैमेज यानी नुकसान अवस्था, डैमेज सिम्टम्स, डैमेज सिम्टम्स इसकी जो लार्वल फॉर्म होती है, तो डैमेज क्या करते हैं, ये डिफोलिएटर्स होते हैं, डिफोलिएटर्स, डिफोलिएटर्स मीन्स ये जो वनस्पतिक भाग है उनका तने को छोड़कर, जैसे ग्राउंडनट या मूंगफली में बात करते हैं, तो ये तने को छोड़कर समस्त भागों को चट कर जाते हैं, बहुत नुकसान करते हैं। ये डिफोलेटर्स होते हैं, वो ज्यादा अगर उस फसल की, उस क्रॉप की, उन तनों की, उनकी क्रॉप्स की बात करेंगे तो उसके ऊपर उसके खाए हुए जो एस्क्रेट मटेरियल है, काटे हुए भाग है, वो पड़े रहेंगे। तो ये डिफोलेटर्स हैं, सभी खरीफ में वह जाने वाले फसलों को नुकसान पहुंचाता है, बहुत ज्यादा उनको नुकसान करता है, जैसे ज्वार है, बाजरा है, मूंग है, मोट है, मूंगफली है, तो जो भी खरीफ की फसलें उनको नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए दोस्तों इसकी जीवन चक्र के बारे में चर्चा करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको। कातरा वैज्ञानिक नाम एमसेक्टा मोरी, उसका जो ऑर्डर है वो लेपिडोप्टेरा, और जो फैमिली उसकी आर्किटेटी। एमसेक्टा मोरी जो उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा नुकसान करती है, जो खरीफ की सभी फसलों को नुकसान करती है, और जो जिसका जो पॉलीफेगस नेचर है, जो पॉलीफेगस मीन सर्वभक्षी जो कीट है। तो देखो इसका लाइफ साइकिल की बात करते हैं। लाइफ साइकिल, जीवन चक्र, इस कीट का जीवन चक्र क्या है? देखिए दोस्तों, जो क्लास इंसेक्टा है उसके प्राणी है मेटामॉर्फोसिस करते हैं, मतलब मेटामॉर्फोसिस को एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने के लिए वो मोल्टिंग के द्वारा, देयर आर सो मेनी प्रोसेस के द्वारा, वो मेटामॉर्फोसिस के द्वारा एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको डायग्राम के द्वारा इसको समझाते हैं। सबसे पहले देखो इसकी जो एग, जिनको अंडा बोलते हैं, उसके बाद की जो स्टेज है दैट इज लार्वा, जिसको लार्वा गिडार बोला जाता है हिंदी में, जिसको गिडार बोल। उसके बाद की स्टेज होती है प्यूपा, जिसको हिंदी में कोशित बोला जाता है। और उसके बाद की जो स्टेज होती है दैट इज एडल्ट, जिसको प्रौढ़ बोला जाता है। ये दोस्तों इसकी लाइफ साइकिल है, इस इंसेक्टी ये लाइफ साइकिल है। एडल्ट, उसके बाद में एग लेइंग होती है, एग के बाद में लार्वा बनता है, लार्वा के बाद में प्यूपा बनता है, प्यूपा के बाद में एडल्ट फॉर्म उसके अंदर होती है। देखिए दोस्तों जो इसमें जो एग लेइंग होती है, सर्वप्रथम जो वर्षा स्टार्ट होती है
जो बरसात होती है तो ये प्रकाश की ओर अट्रैक्ट होते हैं। प्रकाश की ओर क्या अट्रैक्ट होते हैं ये एडल्ट, इनकी जो नर और मादाएं हैं, और प्रकाश की ओर आके वो मैथुन की क्रिया करते हैं। कौन सी क्रिया करते हैं? मैथुन की क्रिया करते हैं, मैथुन की क्रिया करते हैं। और मैथुन कब करते हैं? वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में, व्हेन स्टार्टिंग रेनफॉल, जब रेनफॉल स्टार्ट होती है मेटिंग करते हैं, और मेटिंग करने के तुरंत बाद में वो एग लेइंग करते हैं, अंडा देते हैं। अंडा देते हैं, एक मादा अपने जीवन काल में कितने अंडे देती है? 1500 तक अंडे देती है। हाउ मेनी एग लेइंग फ्रॉम ए फीमेल, उसकी फेकेंडिटी होती है, उसकी अंडे देने की क्षमता होती है 1500 अंडे अपने जीवन काल के अंदर, वो 1500 अंडे देती है, 1500, ओके 1500 अंडे। वो अंडे कहां दिए जाते हैं? जो ये लीफ है, जो लीफ है प्लांट की, इस लीफ के जो नीचे की सतह है, जो निचली सतह है उसके ऊपर अंडे दिए जाते हैं। वेयर द एग लेइंग, जो एग लेइंग की जाती है वो पत्ती के नीचे के सरफेस के ऊपर की जाती है, और एक समूह में, और पीले रंग के इसके अंडे देते हैं। किस प्रकार के अंडे होते हैं? पीले रंग के, और पीले रंग के अंडे होते हैं, पीले रंग के, और पोस्ट के आकार के, किसके आकार के, ये इंपॉर्टेंट है जी, पोस्ट के आकार के, पोस्ट के आकार, पोस्ट किसे कहते हैं? ओपियम, जो ओपियम पॉपी होता है, ओपियम के जो सीड होते हैं उसके सीड की तरह इसके अंडे होते हैं, इस प्रकार से इसके अंडे होते हैं ओपियम के आकार के। तो नीचे की सतह के समूह में देते हैं, और समूह में दिए जाते हैं 1500 तक अंडे दिए जाते हैं। और कौन सी सतह पे दिए जाते हैं? क्वेश्चन आ सकता है कि जो कातरा है वो एग लेइंग या अंडे कहाँ देती है? पत्ती की ऊपरी सतह पर, उसकी मध्य सिरा के ऊपर, या उसकी टहनी के ऊपर, किस प्लांट की टहनी के ऊपर, या निचली सतह पर। तो अंडे कहाँ दिए जाते हैं? नीचे की सतह पर। उनका रंग कैसा होता है? पीले रंग के होते हैं। किस आकार के होते हैं? पोस्ट के आकार, ओपियम जो सीड है, जो क्रॉप, ओपियम जो क्रॉप होती है उसके जो बीज होते हैं उस आकार के आएंगे। तो दोस्तों अंडे देने के बाद में उनमें हैचिंग, हैचिंग की प्रोसेस होती है, मतलब उनका प्रफुटन होता है उनसे। तो 4 से 5 दिन बाद में वो ऊर्जा उष्मा पाकर उसमें हैचिंग की प्रोसेस होती है, 4 से 5 दिन बाद, डेज यानी दिन बाद क्या बनते हैं उनसे, क्या निकलते हैं? गीडार निकलते हैं, लार्वा निकलते हैं। और लार्वा की अगर आपको, इस प्रकार के लार्वा होते हैं, देखिए दोस्तों यहां जो लार्वा होंगे इनका जो सिर भाग होगा, हेड होगा, वो रेड कलर का होगा, हिंदी में लिख देता हूं आपको, लाल रंग का जो सिर, ओके okay? और इसकी बॉडी के ऊपर, इसकी बॉडी के ऊपर रेड कलर के हेयर पाए जाते हैं, पूरी बॉडी बालों से ढकी रहती है, इसीलिए बालों से बॉडी ढकी रहती है, बॉडी के ऊपर कवर रहते हैं बाल, इसलिए रेड हेयरी कैटरपिलर बोलते हैं, इसको कैटरपिलर बोला जाता है, लेपिडोप्टेरा के जो लार्वा होता है। तो ये जो कैटरपिलर है जी, वो 6 बार निर्मोचन करता है, 6 बार निर्मोचन। व्हाट इज द निर्मोचन? इंग्लिश में बोलते हैं निर्मोचन को मोल्टिंग, मोल्टिंग। व्हाट इज द मोल्टिंग? मोल्टिंग किसे कहते हैं? ये निर्मोचन किसे कहते हैं दोस्तों? ये निर्मोचन कहते हैं कि उसकी जो ओल्ड क्यूटिकल, क्योंकि क्यूटिकल पाई जाती है उनके शरीर पर, बॉडी के ऊपर, तो उस क्यूटिकल को त्यागना, द शेडिंग ऑफ द ओल्ड क्यूटिकल, तो पुरानी जो क्यूटिकल है उसको त्याग कर नई स्टेज में जाना, दैट इज मोल्टिंग, उसको ही निर्मोचन कहते हैं। तो इस प्रकार से फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस प्रकार के
छह बार वो निर्मोचन करते हैं और कंप्लीट जैसे जैसे निर्मोचन करते जाएंगे वैसे वैसे वो परिपक्व होते जाएंगे और छह बार निर्मोचन करके वो परिपक्व हो जाते हैं। और स्टार्टिंग में तो क्या करते हैं ये समूह में खाते हैं स्टार्टिंग के अंदर, शुरू में तो ये जो गिडार है वो समूह में खाते हैं, समूह में पत्तियों को खाते हैं खाते हैं, और बाद में पृथक पृथक अलग अलग पत्तियों के अलग अलग टहनियों के ऊपर चले जाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों यहां से आइए फिर से चर्चा करते हैं, अंडे कितने दिए जाते हैं, 1500 अंडे दिए जाते हैं माता के द्वारा। कैसे रंग के अंडे होते हैं, वो पीले रंग के होते हैं। आकार क्या होता है, पोस्ट के आकार का होता है। कौन सी सतह पे दिए जाते हैं, पत्ती की निचली सतह के ऊपर दिए जाते हैं। और कितने देर बाद में वो गिडार बन जाते हैं, 4 से 5 दिन बाद में हैचिंग की प्रोसेस होती है और वो लार्वा जिस गिडार के में बदल जाते हैं और गिडार 6 बार त्वचा निर्मोचन करके परिपक्व बन जाता है। और वो पहले तो एक समूह के अंदर वो खाते हैं खूब सारे जो गिडार एक जगह, और धीरे धीरे वो डिस्पर्स हो जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं अनदर पैलेस मींस अनदर टहनी के ऊपर और अनदर लीफ के ऊपर और वो खाते हैं। उसके बाद में 15 से 23 दिन बाद में 15 से 23, क्योंकि 15 से लेकर 23 दिन तक ही यह अवस्था रहती है। कौन सी अवस्था, गिडार अवस्था। 15 से 23 दिन बाद में दे हैव कन्वर्टेड इनटू प्यूपा, वो किसमें बदल जाते हैं, पोषित के अंदर बदल जाते हैं। 15 से 23 दिन बाद में जो गिडार होते हैं वो पोषित में बदल जाते हैं और पोषित जो होते हैं वो आप भूमि के अंदर जो मृदा होती है उसके अंदर 10 से 30 सेंटीमीटर नीचे जो पड़ती भूमि है या जो बैरल लैंड है उसके अंदर जाके वो प्यूपा पोषित अवस्था में वो डोरमेंसी अवस्था के अंदर वो पृथ्वी भूमि में चले जाते हैं, पोषित अवस्था में चले जाते हैं और 9 से 10 माह तक रहते हैं इन एक्टिव कंडीशन 9 से 10 माह तक। दोस्तों यहाँ पे कंडीशन देखें तो ये प्यूपा अवस्था होता है वो इनएक्टिव कंडीशन, ये 9 से 10 माह में कैसी कंडीशन में रहेगी, ये डाइपोज के अंदर जाती है, एक डाइपोज कंडीशन होती है, डाइपोज हो सकता है दो कंडीशन से हो सकता है, एक हो सकता है हाइबरनेशन, एक होता है एस्टिवेशन, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। हाइबरनेशन किसके कारण हाइबर होते हैं, कम तापमान के कारण और एस्टिवेशन अधिक तापमान के कारण वो इनएक्टिव अवस्था में चले जाते हैं अधिक तापमान के कारण। ये कंडीशन यहां होती इसलिए वो इनएक्टिव कंडीशन में पड़े रहते हैं भूमि के अंदर, वो अपने और एक एक परत बना लेते हैं और वो 9 से 10 माह तक जैसे ही वापस से न्यू ईयर जो नई जो जनरेशन स्टार्ट होगी तो जब वर्षा स्टार्ट होगी तो जब एनवायरनमेंट उनके अकॉर्डिंग होगा तो उनसे क्या होगा एडल्ट बन जाएंगे 9 से 10 माह बाद में और वो परिपक्वता की ओर एडल्ट परिपक्व हो जाएंगे। और उसके बाद में जैसे वर्षा स्टार्ट हो जाएगी रेनफॉल होगी वो किसमें वापस से मेटिंग के लिए, इसलिए इनकी लाइफ साइकिल एडल्ट टू एग लार्वा और पोषित। दोस्तों यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं कि कातरा की कौन सी अवस्था फसलों को नुकसान पहुंचाती है, तो लार्वा अवस्था पहुंचाती है जिसको गिडार बोलते हैं वो अवस्था पहुंचाती है। दूसरा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है वो कि कातरा अपने जीवन काल में मादा कितने अंडे देती है, तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये है कि वो अपने जीवन काल में 1500 अंडे देती है। तीसरा जो क्वेश्चन है कि जो कातरा अंडे देती है वो किस आकार के होते हैं, तो वो पोस्ट के आकार के होते हैं। तीसरा चौथा क्वेश्चन ये है कि कातरा है वो कातरा का जो गिडार है लार्वा है वो कितने बार त्वचा निर्मोचन करता है,
वो 6 बार निर्मोचन करता है। उसके बाद में कि लार्वा, देखो ये वेरिएशन आ जाता है कई बार क्लाइमेटिक कंडीशन, यहाँ से इतना इम्पोर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, कहीं भी नहीं पूछा जाता है कि वो कितने दिन बाद कन्वर्ट होते हैं। बट हाँ, ये जो इम्पोर्टेंट है कि वो कोशित अवस्था में कैसे जाता है, कहाँ जाता है, तो ये पूछ लिया जाता है कि जो कातरा है उसकी कोशित अवस्था कहाँ पूर्ण होती है, तो उसकी कोशित अवस्था कहाँ पूर्ण होती है, भूमि के अंदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कातरा की जो कोशित अवस्था कहाँ पूर्ण होती है, क्योंकि ये प्यूपा कई बार कईयों में तो स्टेम में तने के अंदर पूरी होती है, क्योंकि तने के अंदर ही वो रह जाते हैं, वो वहां पे अपना जीवन काल छोड़, तो ये भूमि के अंदर कितने 10 से 30 सेंटीमीटर गहराई तक चले जाते हैं, प्रो इनएक्टिव कंडीशन के अंदर वहां रहते हैं, और फिर एडल्ट के अंदर। तो देखिए दोस्तों, वो जो इनकी कंप्लीट अगर जीवन काल देखें तो 26 से 41 दिन के अंदर एक कंप्लीट लाइफ साइकिल पूरी कर लेते हैं। ये जो कीट है कातरा वो 26 से 41 दिन के अंदर अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर लेता है, लेकिन जो जनरेशन जो पीढ़ी है एक साल में, जो पीढ़ी होती है वो एक साल में एक ही पीढ़ी होती है। ये दोस्तों ये भी कई बार हो सकता है कि एक से थोड़ा से ज्यादा समय ले लें, लेकिन एक सफेद लट और एक ये कातरा, इसकी एक साल में एक पीढ़ी होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये है कातरा की लाइफ साइकिल, फिर से एक बार फास्टली मैं आपको रिमेम्बर करवा देता हूँ। तो सबसे पहले इसकी जो जो जीवन चक्र है वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, इसको बोलते हैं पूर्ण कायांतरण। क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण कायांतरण, जिसके अंदर ये चारों अवस्थाएं होती है उसको बोलते हैं पूर्ण कायांतरण। इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट लाइफ साइकिल कितने दिन में? सी कंप्लीट लाइफ साइकिल, कंप्लीट लाइफ साइकिल कितने दिन में? 26 से 21 दिन में, पीडी एक साल में एक पीडी, और कौन सा कायांतरण? पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। आराम से इसको अपन डायग्राम बना लीजिए। तो यहाँ से स्टार्ट हुई, तो एग कहाँ, अंडे कहाँ, कब दिए जाते हैं? जब वर्षा स्टार्ट होती है तो उसके बाद में कातरा के एडल्ट है वो निकलते हैं। निकलते कैसे? वो लाइट की तरफ प्रकाश की ओर गति करते हैं, और प्रकाश की ओर मैथुन माता वो मेटिंग करती है, मैथुन करती है नर से, और उसके बाद में जो मादा है वो एग लेइंग करती है, अंडे देने का काम करती है। अंडे कहाँ दिए जाते हैं? पत्तियों की निचली सतह पे। किस प्रकार से? समूह में दिए जाते हैं, पीले रंग के होते हैं, पोस्ट के आकार के होते हैं, और कितने अंडे दिए जाते हैं? 1500 अंडे दिए जाते हैं। अंडों से 4 से 5 दिन के अंदर क्या निकलते हैं? लार्वा, वो हैचिंग टेम्परेचर के पाकर वो क्या है उनमें, उनसे लार्वा निकलते हैं। गिदार कैसे होते हैं? गिदार उनके ऊपर मीन्स बाल पाए जाते हैं, हेयर पर लंबे पूरी बॉडी के ऊपर बाल कवर होते हैं रेड कलर के, उनका रेड जो है मुंह होता है उसका, सॉरी हेड होता है। तो 6 बार त्वचा निर्मोचन करके वो परिपक्व हो जाता है, और स्टार्टिंग में तो वो समूह में खाते हैं, और धीरे धीरे वो क्या है वो पृथक पृथक स्थानों पे जाकर वो डैमेज पहुंचाते हैं, और 15 से 23 दिन बाद में ये जो लार्वा है वो कन्वर्टेड इनटू प्यूपा, वो प्यूपा में बदल जाता है, कोशित में बदल जाते हैं, हिंदी में इसको कोशित बोला जाता है प्यूपा को, और वो 10 से 30 सेंटीमीटर नीचे जाते हैं, क्योंकि प्यूपा इनएक्टिव कंडीशन में होता है, हमेशा नुकसान नहीं पहुंचाता फसलों को। प्यूपा भूमि के अंदर 10 से 30 सेंटीमीटर नीचे जाके क्या करता है, वो अपने आप को इनएक्टिव कंडीशन में कर लेता है, और 9-10 मंथ बाद के अंदर वो एडल्ट के अंदर एडल्ट बन जाते हैं, और जैसे ही वापस से बरसात स्टार्ट होती है तो साल में एक बार बरसात का जो सीजन आता है, तो अपन कह सकते हैं कि एक साल में इसकी एक ही पीढ़ी होगी। तो ये कंप्लीट द लाइफ साइकिल ऑफ रेड हेरी कैटरपिलर। तो कातरा का वैज्ञानिक नाम एम्सेक्टा मोरी, कातरा का जो ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा, कातरा का जो जो फैमिली है कुल है वो आर्किटेटी, सर्वभक्षी कीट होता है, सभी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, खरीफ में उगाने वाली सभी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, और ये इसकी जो लाइफ साइकिल है वो आपको वेल डिस्क्राइब कर दी है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आपको दे दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको ले सकते हो। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको बता दिया। देन द मैनेजमेंट ऑफ द रेड हेरी कैटरपिलर,
ठीक है दोस्तों, प्रबंधन, देखो दोस्तों प्रबंधन बहुत जरूरी है कीटों, बहुत सारे फसलों में। मैंने पहले प्रीवियस में क्लास में बताया कि अगर वीट के बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो वो है पेस्ट की, जो इंसेक्ट सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे वीट खरपतवार के बाद में, तो इनका प्रबंधन करना अत्यंत आवश्यक है। तो इसका जो प्रबंध देखे अपन, तो सबसे पहले सस्य प्रबंधन, जो एग्रोनॉमी प्रैक्टिसेस अपन देखें इसकी, तो जो सस्य प्रबंधन है उसमें सबसे पहले है लाइट ट्रैप्स। लाइट ट्रैप्स, ट्रैप्स मीन्स पकड़ना, कैच करना, मतलब प्रकाश प्रपंच, प्रकाश प्रपंच। दोस्तों ये जो लाइट ट्रैप्स है वो खेत के अंदर लगा दिए जाते हैं, मींस मरकरी वगैरह कुछ भी लाइट या बल्ब वगैरह वो खेत के अंदर कुछ ऊंचाई तक, फसल की कुछ ऊंचाई तक वो खेत में लगा दिए जाते हैं, जिससे मैंने आपको उनकी लाइफ साइकिल में बताया, जैसे वर्षा स्टार्ट होती है, वर्षा स्टार्ट होती है तो उसके जो जो वैसे जो प्रोड कीट है वो लाइट की ओर अट्रैक्ट होते हैं, वो किसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, लाइट की ओर अट्रैक्ट होते हैं, लाइट की ओर अट्रैक्ट होंगे और वहां उसके बाद में वो मेटिंग करने की सोचेंगे। उससे पहले क्या है, जैसे वो लाइट की ओर आए तो अपन वहां पर 5:95 वहां रेशियो का हो सकता है स्टिकी मटेरियल 5% हो गया, 95% वाटर जल भर देंगे एक बर्तन में, और 5% केरोसिन दे दिया, जो भी स्टिकी मटेरियल जिससे वो चिपक सके, केरोसिन या कोई भी स्टिकी मटेरियल इस पॉट में बर्तन के अंदर भर देंगे। इसके बाद में इसके अंदर जैसे वो प्रकाश के ओर जो कीट है वो अट्रैक्ट होगा, वो यहां से उस बर्तन के अंदर गिर जाएगा, जिससे इजीली उनको क्या है, या तो अपन मॉर्निंग के अंदर उसको कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय करते हैं या कहीं अन्यथा उसको उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इस प्रकार से लाइट ट्रैप, प्रकाश प्रपंच लगाना अत्यंत आवश्यक है। तो फर्स्ट इसका मैनेजमेंट का सबसे अच्छा है, क्योंकि लेपिडोप्टेरा जो पेस्ट है उन वो सबसे ज्यादा उस लाइट ट्रैप्स की और प्रकाश की ओर अट्रैक्ट होते हैं व्हेन द फर्स्ट रेनफॉल ऑफ द मानसून। तो ये सबसे मुख्य इसका मैनेजमेंट का पॉइंट है। उसके बाद में इसके जो एग हैं वो थोड़े विजुअली होते हैं, आसानी से वो देख सकते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, तो अंड समूह को नष्ट करना, अंड समूह को नष्ट करना, जो ग्रुप है तो एग्स के जो ग्रुप हैं उनको कलेक्ट कर लेंगे और उनको डिस्ट्रॉय, जिससे उनसे गिरार निकलने से पहले वो खत्म हो जाए, उनको नष्ट कर दिया जाए, तो उनको डिस्ट्रॉय दी एग मासेज, एक समूह को नष्ट करना। गहरी जुताई कर सकते हैं, गहरी जुताई से क्या होगा, डीप गहरी जुताई से क्या होगा, इसके जो गिरार मैंने कोशिश बताया 10 से 30 सेंटीमीटर नीचे तक वो चले जाते हैं, भूमि में नेटिव कंडीशन में वो कौन सी कोषित अवस्था में रहते हैं, तो वो कोषित अवस्था में गहरी जुताई करेंगे तो वो कोषित बाहर आ जाएंगे और अधिक टेम्परेचर के कारण या किसी बगुला मैना उनकी वजह से वो क्या है, नष्ट कर दिए जाएंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट, गहरी जुताई करना, अंडसमूह को नष्ट करना, सस्य प्रबंधन में लाइट ट्रैप्स लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन जैविक नियंत्रण, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। देखिए जैविक नियंत्रण जीवों का प्रयोग करते हैं, जैसे पेरिसिटोइड है, लार्वल पेरिसिटोइड है, तो पेरिसिटोइड वगैरह और भी कुछ है, एनपीवी वगैरह उनका यूज, जैसे हेलिकोप्टर आर्मी जरा के लिए एनपीवी वगैरह, उनके बायोपेस्टिसाइड उनका प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए कीट के अंड परजीवी, एक पेरासिटोइड, एक पेरासिटोइड
एक पैरासिटोइड ट्राइकोग्रामा प्रजाति का प्रयोग ट्राइकोग्रामा जो प्रजाति है उसका प्रयोग करते हैं, जो इसके एक पैरासिटोइड, इसके जो एग हैं उसके पैरासिटोइड होते हैं। इसके अलावा टेलोनोमस एक प्रजाति होती है, टेलोनोमस मस प्रजाति होती है, उसका भी यूज इसके एक पैरासिटोइड के लिए किया जाता है, जो इसके एग को पैरासिटोइड करके नष्ट किए जाते हैं। फिर अब बात करते हैं केमिकल, जो केमिकल इसके अंदर कह सकते हैं मेलाथियन 50% या क्यूनाल्फोस 10% क्यूनाफोस 10% चून का 25 kg प्रति हेक्टर की दर से घुटाव करें इसके लिए इफेक्टिव होगा। कुछ इमल्सिफाई कंसंट्रेशन होती है क्यूनाफोस की, उनका 25 cc जो क्यूनाफोस है, जो 25 cc क्यूनाफोस है इसकी लिक्विड फॉर्म लेंगे इमल्सिफाई कंसंट्रेशन, और उसको 1.25 लीटर ढाई सौ से 500 लीटर वाटर के अंदर, जल के अंदर डालकर स्प्रे करें। तो देखो दोस्तों, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो कादरा का, इसका साइंटिफिक नेम याद कीजिए आप, इसकी ऑर्डर याद कीजिए, इसकी फैमिली याद कीजिए, उसके बाद में पॉलीफेगस टेस्ट है, उसके बाद में इसकी लाइफ साइकिल के अंदर आपको कितने अंडे देती है, तो देखा 1500 अंडे देती है, किस आकार के होते हैं, उसके अंदर 4 से 5 दिन बाद में उससे लार्वा निकलता है, लार्वा उसको डैमेज करता है, स्टार्टिंग में वो ग्रुप के अंदर खाता है, धीरे धीरे वो डिस्पर्स होके फिर वो फसलों के जो लीव्स है उनको खाता है, उसके बाद में उसके जो कोशित अवस्था है वो भूमि के अंदर पूरी होती है, और 9 से 10 माह तक वो भूमि में रहते हैं। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट दे इमर्ज इनटू एडल्ट के अंदर बनते हैं, और जैसे एडल्ट वर्षा स्टार्ट होती है वापस से वो मेटिंग के लिए हो जाते हैं, फिर से अंडे देना। तो इसकी लाइफ साइकिल जो अपने बात की कि 20 से 41 डेज की होती है, एक जनरेशन इसकी लाइफ साइकिल के अंदर होती है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पूर्ण कायांतरण इसके अंदर पाया जाता है, और इसकी जो मैनेजमेंट में जो मुख्य है लाइव ड्रेस का प्रयोग करना चाहिए, इसके जो अंड समूह को नष्ट करना चाहिए। कई बार एक क्वेश्चन आया हुआ है कि अंड समूह जो बड़ी एग्जाम है उनमें आया कि अंड समूह एक मासेज को डिस्ट्रॉय करना है, किसका मैनेजमेंट का मुख्य सदस्य जो भाग है तो वो किसका है, कातरा का, इसके एक मासेज को नष्ट करते हैं, इसकी मोस्टली कई खाइया खोद कर उनमें भी उनसे भी उनको बचाया जा सकता। तो ये कातरा है वो आपका कंप्लीट हो गया। तो स्टार्टिंग में जो 6 पेस्ट है उनके साइंटिफिक नेम याद करने हैं, उनके ऑर्डर से याद करने हैं, उनकी फैमिलीज याद करनी है, वहाँ से क्वेश्चन आता है कि अगर कातरा पूछते हैं कि कातरा का कौन से सीजन में उनके जो एडल्ट है वो निकलते हैं, कितने अंडे देते हैं, तो ये सारी इसकी प्रोसेस है। नेक्स्ट जो बेस्ट है वो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए और हमारा ऐप डाउनलोड